मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए था कि माननीय हेमंत सोरेन हम लोगों के साथ अफ्तार पार्टी कर रहे हैं। लेकिन ये दुख की बात है, झारखंड के जनता के लिए बहुत दुखदायी दिन था कल, कल काला दिन था झारखंड के लिए। मैं तो कहूँगी, स्पष्ट रूप से मैं कहूँगी कि काला दिवस था कल झारखंड के लिए, जिस तरह से झारखंड के युवाओं के साथ हुआ है। वो भविष्य है झारखंड के, पूरे देश के भविष्य युवा, और आज युवा हक अधिकार का मांग करते हैं तो उन पर लाठी और डंडा चलाया जाता है, और महिलाओं को पुरुष पुलिस के द्वारा जबरन उनके हाथ पैर को पकड़ा जाता है और लाठी डंडा चलाया जाता है। जनता जो तराही तराही कर रही है अधिकार के लिए, सड़कों पे 35 डिग्री के तापमान पे झारखंड को बंद करवाया गया है, और अपने अधिकार के लिए, कोई अन्याय नहीं था, जनता अन्याय के लिए सड़कों पे नहीं उतरी थी, जनता अपने स्वार्थ के लिए सड़कों पे नहीं उतरी थी, ये झारखंड का मुद्दा था, और झारखंड को लेकर के जनता युवा जो है वो सड़कों पे उतरे थे, और मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशासन को ये आदेश दिया गया था कि लाठी और डंडा चलाया जाए। विधायक एक सांसद 500 करोड़ रुपया जब एक अपने क्षेत्र में चुनाव में लगाता है तो वो 10 करोड़ रुपया तो कमाएगा, क्योंकि तो व्यापार कर रहा है। वो जनता के अधिकार, जनता का के कर्तव्य को, जनता को स्कूल नहीं देगा, जनता को हॉस्पिटल नहीं देगा, जनता के लिए रोड नाली का काम नहीं करेगा, वृद्धा पेंशन नहीं देगा, ये तो होना ही होना है। इसलिए जनता को जागरूक करना है, और इस बामन सरकार के पूरे डिपार्टमेंट में देख लीजिए, सारे मंत्रालय में देख लीजिए, बिहार के लोग बैठे हुए हैं, कुछ यूपी के लोग बैठे हुए हैं, झारखंड के लोग कहाँ है? झारखंड में आईएएस नहीं है, झारखंड में आईपीएस नहीं है, झारखंड में डॉक्टर नहीं है, झारखंड में इंजीनियर नहीं है। आप वो छोड़ दीजिए, विधायक को आप देख लीजिए, हमारे आप रांची में बैठे हैं, हमारे हटिया विधानसभा में, हमारा जो घर है हटिया विधानसभा में पड़ता है, अनिल क्या जायसवाल है, ये नवीन जायसवाल कहाँ के हैं? कर सकते हैं, जनता मर रही है, लाठी खा रही है, खून से लथपथ महिलाएं हैं। महिलाओं पे क्यों लाठी चलाया गया? महिलाएं बम आतंकवादी थी। अच्छा, 60-40 जो नियोजन नीति है वो तो कह रहे हैं हम बाद में लाएंगे, 1932 का खतियान, अभी फिलहाल हम टेम्प्रोरी नौकरी देने के लिए 60-40 का नियोजन नीति लगाए क्योंकि हम कोविड में काम नहीं कर पाए थे। तो 60-40 अगर आ जाता तो उससे झारखंड वासियों के लिए क्या लॉस है? नहीं, 60-40 नहीं, आप बिहार में जिस तरह से हो रहा है उसकी नीति पे काम कीजिए ना। 60-40 क्या, 60-40 करके आप 60 झारखंडियों को दे रहे हैं, 40 बाहरियों को दे रहे हैं, कैसे आप पता कीजिएगा कि कौन बाहरी है और कौन भीतरी है, कौन आपका झारखंड का जनता है, वास्तविक जनता है, और कौन आपके बाहर की जनता है? या तो पूरे आप कैसे झारखंड का विकास होगा? जो आदमी भूखे नहीं रहा है, जो आदमी सर पे बोझ नहीं ढोया है, वो आदमी किसी के दर्द को कैसे समझेगा? जब आपको चोट लगती है, आपका खून बहता है, तो आपको दर्द होता है। ये लोग तो एसी में रहते हैं, आप बताइए 35 डिग्री के तापमान पे कल पूरा युवा सड़क पे था, अब माने हेमंत सोरेन जी एसी में बैठ करके अफ्तार पार्टी कर रहे थे, मजा ले रहे थे, ये गमछा और टोपी लगा करके। जोहार, झारखंड में विगत दिनों में आंदोलन चल रहा है और लगातार चरणबद्ध तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पहले दिन सीएम हाउस का घेराव किया, दूसरे दिन मसाल जुलूस निकाले, और तीसरे दिन जो है कि वो छात्र लोग जो है कि झारखंड बंद का आह्वान किया था, झारखंड बंद में बंद का जो आह्वान किया था उसमें पूरी तरीके से बंद नजर आया झारखंड। कुछ कुछ जिलों में तो बहुत इसका खतरनाक असर देखने को मिला, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ हिंसात्मक रूप भी देखने के लिए मिला, जिसमें कि कुछ महिलाएं का सर फूटा। तो आज हमारे साथ में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की एक महिला है जिसका नाम है यास्मीन। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि झारखंड के मुद्दों के बारे में ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जोहार, क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में जो आंदोलन किया जाता है उसमें महिलाओं का भागीदारी पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिख रहा है कि महिलाएं राजनीति में सक्रिय हो रही हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। दूसरी बात बहुत दुखदाई है, खेद प्रकट करती हूँ मैं कड़े शब्दों में, इसकी निंदा करती हूँ, जिस तरह से हेमंत सरकार के द्वारा प्रशासन ने महिलाओं को लाठी चार्ज, डंडा चार्ज और सर तक फाड़ दिया है। खून से लथपथ महिलाएं मुझे दिखी हैं कल, ये बहुत दुखदाई है, ये नहीं होना चाहिए था। सरकार को सामने आकर के बात करनी चाहिए थी। 3 दिन से आपने जैसा खुद कहा भाई मेरे अनिल जी कि 3 दिन से मसाल जुलूस निकल रहा है और बंद का आह्वान किया गया है, सरकार जान रही है, प्रशासन जान रही है कि 19 को बंद होना है झारखंड, फिर क्यों इस तरह का मतलब वो छूट दे दिया गया प्रशासन को, और सरकार सक्रिय रूप से जो भी यूथ के लीडर हैं उनसे बात क्यों नहीं की? सरकार को इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए था ना, स्थानीय नीति और नियोजन नीति 2014 में 19 में, ये हेमंत सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी तो ये सारे युवाओं के कंधा पे हाथ रख करके घर घर जा करके बोलते थे कि हमरा लावा,
हम आबो तो हम सरकार बनाबो और झारखंड के लिए सरकार बनाबो। तो ये झारखंड की सरकार है, झारखंड की जनता रोड में रो रही है, तड़प रही है, अपने अधिकार को मांग रही है। आप उस पर लाठी और डंडा चलवाते हैं और ख़ास करके महिलाओं को के साथ अभद्र व्यवहार जो प्रशासन के द्वारा हुआ है उसका कड़े से कड़ी जांच होनी चाहिए कि क्यों इस तरह का हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अवतार पार्टी में इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ जनता जो तराही तराही कर रही है अधिकार के लिए, सड़कों पर 35 डिग्री के तापमान पर झारखंड को बंद करवाया गया है और अपने अधिकार के लिए, कोई अन्याय नहीं था, जनता अन्याय के लिए सड़कों पे नहीं उतरी थी, जनता अपने स्वार्थ के लिए सड़कों पे नहीं उतरी थी, ये झारखंड का मुद्दा था और झारखंड को लेकर के जनता युवा जो है वो सड़कों पे उतरे थे। और मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशासन को ये आदेश दिया गया था कि लाठी और डंडा चलाया जाए। लाठी डंडा चलाना तो ठीक बात है, लेकिन महिला किसी महिला पे किसी पुरुष पुलिस के द्वारा इस तरह से लाठी चलाना दुखदायी विषय है, क्या कहेंगे? ये तो नियम बन गया। केंद्र सरकार के भी रवैये को देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार तानाशाही का रुख अपनाई हुई है उसी तरह के नक्शे कदम पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार भी उसी तरह का तानाशाही का रुख अपनाई हुई है। जनता को कुछ नहीं समझ रही है, इन्हें यह नहीं पता है कि 24 में चुनाव आने वाला है, ये फिर उसी जनता के सामने कटोरा लेके भीख मांगते हुए वोट दो करते हुए नजर आएंगे। इन्होंने क्या किया है, 4 साल होने को आया, इनका घोषणा पत्र उठा के आप देख लीजिए, एक घोषणा पत्र में इन लोगों ने काम किया है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। वो तो 1932 पे पहल कर दिए थे बोल रहे हैं। कब पहल किए थे 1932 पे? अब क्या पहल किए हैं उन्होंने? कहा कि हमने बिल बना करके राज्यपाल को भेज दिया केंद्र तक जाने, 9वीं अनुसूची में डालने के बाद में वो लागू हो सकता है, तो वो आगे नहीं किया, तो इसमें हमारा क्या गलती है? ये सब तो झुनझुनना है अनिल भाई, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप जान रहे हैं कि ये मात्र है मेरे सरकार का झुनझुनना है, ये खुद नहीं करते हैं, केंद्र सरकार नहीं करती है और ये एक दूसरे को थोपते हैं। केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार बोलती है कि हमने राज्यपाल को भेज दिया है, राज्यपाल क्यों नहीं, राज्यपाल पे दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा है, राज्यपाल से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बात करते हैं? जब अवतार पार्टी वो कर सकते हैं, जनता मर रही है, लाठी खा रही है, खून से लथपथ महिलाएं हैं, महिलाओं पे क्यों लाठी चलाया गया? महिलाएं बम आतंकवादी थी। अच्छा, 60-40 जो नियोजन नीति है वो तो कह रहे हैं हम बाद में लाएंगे 1932 का खतियान, अभी फिलहाल हम टेम्प्रोरी नौकरी देने के लिए 60-40 का नियोजन नीति लगाए क्योंकि हम कोविड में काम नहीं कर पाए थे, तो 60-40 अगर आ जाता तो उससे झारखंड वासियों के लिए क्या लॉस है? नहीं, 60-40 नहीं, आप बिहार में जिस तरह से हो रहा है उसकी नीति पे काम कीजिए ना। 60-40 क्या, 60-40 करके आप 60 झारखंडियों को दे रहे हैं, 40 बाहरियों को दे रहे हैं, कैसे आप पता कीजिएगा कि कौन बाहरी है और कौन भीतरी है, कौन आपका झारखंड का जनता है, वास्तविक जनता है, और कौन आपके बाहर की जनता है? या तो पूरे आपके हेमंत सरकार के पूरे डिपार्टमेंट में देख लीजिए, सारे मंत्रालय में देख लीजिए, बिहार के लोग बैठे हुए हैं, कुछ यूपी के लोग बैठे हुए हैं, झारखंड के लोग कहाँ हैं? झारखंड में IAS नहीं है, झारखंड में IPS नहीं है, झारखंड में डॉक्टर नहीं है, झारखंड में इंजीनियर नहीं है। आप वो छोड़ दीजिए, विधायक को आप देख लीजिए, हमारे आप रांची में बैठे हैं, हमारे हटिया विधानसभा में, हमारा जो घर है हटिया विधानसभा में पड़ता है, अनिल क्या जायसवाल है ये, नवीन जायसवाल कहाँ के हैं? रांची विधानसभा सीपी सिंह कहाँ के हैं? रांची लोकसभा आपका या करके क्या नाम है उनका, रांची लोकसभा के सांसद जो है संजय सेठ कहाँ के हैं? हरियाणा। कैसे झारखंड का विकास होगा? जो आदमी भूखे नहीं रहा है, जो आदमी सर पे बोझ नहीं ढोया है, वो आदमी किसी के दर्द को कैसे समझेगा? जब आपको चोट लगती है, आपका खून बहता है, तो आपको दर्द होता है। ये लोग तो एसी में रहते हैं, आप बताइए 35 डिग्री के तापमान पे कल पूरा युवा सड़क पे था, माननीय हेमंत सोरेन जी एसी में बैठ करके अवतार पार्टी कर रहे थे, मजा ले रहे थे ये गमछा और टोपी लगा करके। मैं भी मुसलमान हूं, मुझे तो खुश होना चाहिए था कि माननीय हेमंत सोरेन हम लोगों के साथ अवतार पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये दुख की बात है, झारखंड के जनता के लिए बहुत दुखदायी दिन था कल, कल काला दिन था झारखंड के लिए, मैं तो कहूंगी स्पष्ट रूप से, मैं कहूंगी कि काला दिवस था कल झारखंड के लिए, जिस तरह से झारखंड के युवाओं के साथ हुआ है, वो भविष्य है झारखंड के, पूरे देश के भविष्य युवा, और आज युवा हक अधिकार का मांग करते हैं तो उन पर लाठी और डंडा चलाया जाता है और महिलाओं को पुरुष पुलिस के द्वारा उनके हाथ पैर को पकड़ा जाता है और लाठी डंडा चलाया जाता है, ये कहां के किस संविधान में लिखा है? आप बाहरी भीतरी का बात करते हैं, आपके यहाँ हटिया विधानसभा में तो लोकल खतियानी कैंडिडेट भी खड़ा होते हैं विधायक के लिए, यहाँ पे लोकल
क्या बोलते हैं एमपी भी खड़ा होते हैं, लेकिन आप उनको वोट नहीं देते हैं। जब वोट आता है, वोट का टाइम आता है, तो आप लोग पार्टी देख करके वोट देते हैं, ना कि यहाँ का माटी का आदमी को या कैंडिडेट को देख करके वोट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी तो पूरी तरह से सरकार दोषी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज स्थिति पूरे देश की और ख़ास करके झारखंड की है, इसमें जनता भी जिम्मेवार है। जनता जब वोट का समय आता है तो 500 और 1000 रुपए में अपने वोट को बेचती है, देखती है कि कौन विधायक कौन सांसद पैसा वाला है, कौन हमारे हमको पैसा दे सकता है। वो भविष्य का 5 साल के नियोजन को तैयार नहीं करती है, 5 साल के अपने भविष्य को अपने बच्चों को नहीं देखती है कि हम कैसा विधायक और कैसा सांसद चुने जिसके आने से हमारे राज्य का विकास हो, हमारे लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और अपने वोट के अधिकार को समझना पड़ेगा। मैं बार बार मीडिया के द्वारा भी और मंच से भी ये कहती हूँ कि जनता को अपने अधिकार को समझना पड़ेगा। जब तक अपनी जनता अपने वोट की ताकत को नहीं समझेगी, इसी तरह जनता खली जाएगी। जनता को समझाएगा कौन? आपके जैसे जागरूक लोग जब चुनाव आते हैं तो फिर कहाँ चले जाते? क्यों नहीं समझा पाते आप अपनी जनताओं को, अपनों उनके हक अधिकार उनके राइट्स के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? वो लोग कैसे बिक जाते हैं आप लोग जैसे लोग जागरूक होते हुए भी? ये तो अफसोस की बात है ना भाई, मेरे अनिल भाई, हम लोग हर चुनाव में जागरूकता अभियान चलाते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, लेकिन रातों रात ये कैसे, ये जो पैसा वाले जो बिजनेस व्यापार से जो आते हैं व्यापारी लोग, ये आज तो संसद को आज चुनाव को सब व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं। और ये आप समझ रहे हैं, एक विधायक एक सांसद 500 करोड़ रुपया जब एक अपने क्षेत्र में चुनाव में लगाता है तो वो 10 करोड़ रुपया तो कमाएगा, क्योंकि तो व्यापार कर रहा है। वो जनता के अधिकार जनता का के कर्तव्य को जनता को स्कूल नहीं देगा, जनता को हॉस्पिटल नहीं देगा, जनता के लिए रोड नाली का काम नहीं करेगा, वृद्धा पेंशन नहीं देगा, ये तो होना ही होना। इसलिए जनता को जागरूक करना है।